अभिनेत्री रेखा ने जब भी किसी फंक्शन में एंट्री की है, सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनकी मस्तानी चाल पर लोगों की निगाहें टिकी रहती है। आज भले ही एक साल होने वाला हो, रेखा को किसी भी फंक्शन में एंट्री करते हुए देखे, लेकिन जिस भी खूबसूरत अंदाज में रेखा ने अब तक बॉलीवुड के बड़े बड़े फंक्शन में चार चांद लगाया, उसकी अगर बात की जाए तो सलमान खान के बर्थडे पर भी आज हम रेखा और सलमान की बॉन्डिंग की बात जरूर करना चाहेंगे। जी हाँ, सलमान खान प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और अपने आलिशान फार्म हाउस में पार्टी के साथ बर्थडे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय किया। लेकिन सलमान के बर्थडे पर इस साल उनके कई क्लोज फ्रेंड्स थे जिनका अटेंड न करना सवाल खड़ा कर गया। खैर, वजह इसे पेंडेमिक की गाइडलाइंस कहें या फिर सलमान खान की कोई मजबूरी जिसे वो छुपा रहे हैं, सलमान अपने बर्थडे पर अपनी भांजी आयत का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस कारण फैमिली ही रही है उनके सेलिब्रेशन में खास तौर पर शामिल। क्या आपको मालूम है वो सलमान जिन्होंने अपनी उम्र की एक्ट्रेसेस से लेकर अपने से दोगुनी उम्र के एक्ट्रेसेस तक को अपना दीवाना बनाया, वो सलमान खुद भी एक हसीना है जिनके दीवाने हैं, और वो हसीना कोई और नहीं बल्कि एवरग्रीन ब्यूटी रेखा ही है। सलमान खान की बर्थडे पर करीना के फैन क्लब पर एक सवाल था कि सलमान खान इस साल बर्थडे जरूर मनाएंगे लेकिन साथ में शादी के सस्पेंस को क्लियर करेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सका। खैर, सलमान खान ने अपनी शादी को लेकर एक बार हंसी मजाक में कुछ ऐसा कहा जो आज भी लोग भूल नहीं पाए, और वो था सिर्फ और सिर्फ 65 वर्षीय अभिनेत्री रेखा के लिए। वो रेखा जिनका नाम संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना तक के साथ जुड़ा, अक्षय कुमार तक के साथ जुड़ा, उस रेखा के दीवाने सलमान खान आज भी हैं। उस रेखा के साथ शो बिग बॉस के सेट की बात करें या फिर अवार्ड फंक्शन की बात करें, सलमान खान ने जब भी परफॉर्मेंस दिया है, रेखा की हुस्न के दीवाने सलमान उनके सामने घुटनों पर बैठ कर भी उनके लिए हमेशा ही अपने दीवानेपन को इजहार करते नजर आए। सलमान खान और रेखा की बॉन्डिंग की ये दिलकश तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। वाकई में सलमान और रेखा को देखे हुए काफी समय गुजर गया है, जिन्हें सलमान खान और रेखा की जोड़ी के तौर पर हमेशा ही फिल्मी पर्दे पर देखने का इंतजार रहा। सलमान और रेखा को धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल की फिल्म में लास्ट टाइम आपने देखा होगा, यमला पगला दीवाना फिर से में, और इसके बाद ये दोनों साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2021 एवरग्रीन ब्यूटी रेखा और सलमान खान के परफॉर्मेंस का एक नया सरप्राइज जरूर लेकर आएगा, जिससे आप सब जानेंगे कि वाकई में रेखा के लिए सलमान की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई। खैर, ये था हमारा आज का शो सलमान के साथ रेखा के खास रिश्ते को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन की तमाम अनसुने किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।